प्रदेश के सुल्तानपुर से अगली खबर, श्रमिक बस की हुई ट्रक से भिड़ंत। आपको बता दें कि हादसे में डेढ़ दर्जन श्रमिक घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे, जहां घायल श्रमिकों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से दो गंभीर घायलों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि कादीपुर की ओर से जा रही थी ये बस, जहाँ लखनऊ बलिया हाईवे पर यह हादसा हुआ। मुंबई से जो ट्रेन से हमारे श्रमिक लोग आए थे, अब उनका पूरा मेडिकल स्क्रीनिंग सब करके शेल्टर होम पे पहुंचवाया गया था, कादीपुर के शेल्टर होम पर। वो पहुंचवा कर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग फिनिश करके उनका जो राशन की जो व्यवस्था होना है, किट वगैरह उपलब्ध करा के लाइन लिस्टिंग करके उनको अपने अपने घर पर पहुँचवाने की व्यवस्था की गई थी। तो रास्ते में ट्रक और बस आपस में एक्सीडेंट होने के वजह से लगभग 25 लोग निकल गए थे। वो जो लाइन लिस्टिंग सूची हमको प्राप्त होने के बाद एग्जैक्ट संख्या हम आपको बता पाएंगे। अब मौके पे जो देख के आए थे उसमें लगभग 25 लोग उस बस पे ट्रैवल कर रहे हैं। 18 लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है और बाकी 4 लोग वहाँ से निकल में आ रहे हैं। उनको भी एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने करवाई।